नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हमारा जो हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, उसमें आज का जो टॉपिक है वो है मुगल अम्पायर, मतलब मुगल साम्राज्य, जिसमें मैंने 200 से ज्यादा प्रश्न लिए हैं इस लेक्चर को खत्म करने के लिए। इसके पहले हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता कर लिया है, वैदिक सभ्यता कर लिया, महाजनपद काल कर लिया है, बौद्ध धर्म कर लिया है, जैन धर्म कर लिया है, मौर्य काल कर लिया है, दिल्ली सल्तनत कर लिया है, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मुगल काल, मुगल अम्पायर। तो देखिए, इतने सारे क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी हिस्ट्री में कर चुके हैं और आज हम लोग करने वाले हैं मुगल काल। तो इसमें मैंने 200 से ज्यादा जो प्रश्न लिए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। तो आप लोग ये 200 के 200 क्वेश्चन देखिए और लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको इस टॉपिक पे बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं रहेगा। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा रहेगा, लेकिन एक बार आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप काफी सेटिस्फाइड रहेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? भारत में मुगल शासन की नींव किसने रखी? शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, अकबर या बाबर? तो रूल सेम ही है कि जब भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखे, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपके अनुसार आंसर क्या होगा, और फिर लास्ट में कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। चूंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, 200 से ज़्यादा प्रश्न लिए हैं मैंने इस वीडियो में, क्योंकि टॉपिक भी लंबा है तो वीडियो का लेंथ भी थोड़ा लंबा होगा, बट आप उसकी चिंता ना करें, आप वीडियो को एक बार देखें पूरा और उसके बाद आपको इस टॉपिक पर कोई डाउट नहीं रहेगा। तो आइए देखते हैं पहले का सही उत्तर। तो ये है बाबर। बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी थी। दूसरा प्रश्न, बाबर का वास्तविक नाम क्या था? बाबर, इब्राहिम बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या मोहम्मद जलालुद्दीन बाबर? तो इसका जो वास्तविक नाम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, तो दूसरे का हो जाएगा सी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी? तो वो वंश था लोदी वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था। दिल्ली सल्तनत हम लोग पहले कर चुके हैं और उसमें भी मैंने 150 से ज़्यादा प्रश्न लिया है, और दिल्ली सल्तनत का जो पहला था वो था स्लेव डायनेस्टी, मतलब गुलाम वंश, दूसरा था खिलजी डायनेस्टी, तीसरा था तुगलक डायनेस्टी, चौथा था सैयद डायनेस्टी और पाँचवा था लोदी डायनेस्टी। तो इसी लोदी डायनेस्टी के आखिरी राजा इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 1526 ईस्वी में। चौथा प्रश्न देखते हैं, आलम खां जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया वह कौन था? तो आलम खां जो था वो इब्राहिम लोदी का चाचा ही था, जिसको जिसके साथ खराब व्यवहार किया गया था इब्राहिम लोदी के द्वारा। तो इसीलिए वह खुंदक में आकर बाबर को यहाँ पर इन्वाइट किया कि आप आकर यहाँ पर लड़ो और जीत जाओ। तो इसके साथ खराब व्यवहार किया गया था, इसको देश से निकाल दिया गया था आलम खां को इब्राहिम लोदी के द्वारा, इसीलिए इसने बाबर को आमंत्रित किया। पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय इतिहास का कौन सा एक महत्वपूर्ण घटना 1526 ईस्वी में हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की प्रथम लड़ाई। छठा प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि 1526 ईस्वी में हुआ था, लेकिन कई बार एग्जैक्ट डेट पूछ लिया जाता है, तो एग्जैक्ट डेट है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। सातवां प्रश्न, पानीपत की पहली लड़ाई जो कि 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी, तो वो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा सातवां का। आठवां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन बाबर द्वारा पानीपत की प्रथम लड़ाई में हराया गया था? तो सेम ही प्रश्न है, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा गया है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे लिया है। तो किसे हराया गया था? वो हराया गया था इब्राहिम लोदी को, हराया गया था बाबर के द्वारा। नौवां प्रश्न देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने तुगलुमा और पार्श्व पार्टी प्रणाली को सबसे पहले अपनाया? तो इसे सबसे पहले अपनाया था बाबर ने। अब तुगलुमा और पार्श्व पार्टी प्रणाली होता क्या है? तो एक तरह का ये मिलिट्री स्ट्रेटजी है, ठीक उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने बाहुबली में देखा था कि भल्लाल देव और बाहुबली दोनों ने मिलकर एक मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनाया था, जिसको कहा गया त्रिशूल व्यू, कालकेय के विरुद्ध लड़ने के लिए
उन दोनों ने ये मिलिट्री स्ट्रेटजी अपनाया था। तो उसी तरीके से तुगलुमा और पार्श्व पार्टी प्रणाली एक मिलिट्री स्ट्रेटजी है। दसवां, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलुमा, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, तुगलुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो बाबर ने इसका सर्वप्रथम यूज किया था बैटल ऑफ पानीपत में, पानीपत की प्रथम लड़ाई में। 11वां प्रश्न, बाबर ने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की? तो सबसे पहले इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी बैटल ऑफ काबुल में, जब ये काबुल को जीता था 1504 ईस्वी में, उसी समय इसने सबसे पहले बादशाह की उपाधि धारण की थी। 12वां प्रश्न, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? तो ये मूल रूप से फरगना, जो कि अफगानिस्तान में है, वहां का ये मूल रूप से शासक था। 13वां प्रश्न, 1527 का खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो 1527 में जो खानवा का युद्ध हुआ था वो लड़ा गया था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो 13वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखते हैं, मेवाड़ का वह शासक जिसे बाबर द्वारा खानवा के युद्ध में 1527 में हराया गया वह कौन था? तो वह राणा सांगा था, पिछले प्रश्न में हम लोग बात कर चुके हैं। 15वां प्रश्न, बाबर ने मेवाड़ के राणा सांगा को खानवा के युद्ध में किस वर्ष में हराया? तो बाबर ने हराया था 1527 में। 16वां प्रश्न, अजरसन है और रीजन है, तो अजरसन देखते हैं पहले। खानवा का युद्ध निश्चित रूप से पानीपत के युद्ध से ज्यादा निर्णायक और महत्वपूर्ण था। बिल्कुल ये सही बात है, क्योंकि खानवा का युद्ध जो हुआ था तो उस समय जो अपोजिशन था बाबर के विरुद्ध जो लड़ रहा था वो था राणा सांगा, जो कि इब्राहिम लोदी से ज्यादा खतरनाक था। रीजन देखते हैं, राजपूत हीरो राणा सांगा निश्चित रूप से इब्राहिम लोदी से ज्यादा भयंकर विरोधी था। तो बिल्कुल यह भी स्टेटमेंट सही है, और जो रीजन है वो अजरसन को बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 16वां का। 17वां, किस युद्ध में बाबर ने जिहाद, जिसका मतलब होता है धर्म युद्ध, इसका नारा दिया और तमगा नामक कर को समाप्त किया, और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी मतलब होता है धर्म योद्धा इसकी उपाधि धारण की? तो यह सब कुछ किस युद्ध के बाद हुआ था? तो यह सब कुछ हुआ था खानवा के युद्ध, जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था, उसी के बाद यह सब कुछ बाबर ने किया था। 18वां प्रश्न, बाबर ने चनेरी के मेदिनी राय को चंदेरी के युद्ध में किस वर्ष में हराया? तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1528 ईस्वी में। तो 18वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। खानवा का 1527 में हुआ था, पानीपत का 1526 में हुआ था, ये सब कुछ ध्यान रखिएगा। 19वां प्रश्न देखते हैं, बाबर ने मोहम्मद लोधी, जो कि इब्राहिम लोधी के चाचा थे, इसको घाघरा के युद्ध में किस वर्ष हराया? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। तो ये सारे युद्धों को ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न, बारूद और तोपों का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बारूद और तोपों का प्रयोग सबसे पहले किया था बाबर ने, युद्ध में सबसे पहले प्रयोग बाबर ने किया था, अदरवाइज इसके पहले भी बारूद और तोपों का प्रयोग हो चुका था। 21वां प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप में बाबर के आगमन से क्या हुआ, मतलब क्या क्या प्रभाव हुआ? भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग हुआ, तो ये पहले भी होता था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि युद्ध में पहली बार जो बारूद का प्रयोग हुआ था वो बाबर ने किया था, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में बारूद का प्रयोग पहले हो चुका था, तो यह स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखते हैं, मेहराब और गुंबद मतलब आर्क एंड डोम, इसका क्षेत्र के वास्तुकला में उपयोग, तो यह भी पहले हो चुका था, जब मोहम्मद गौरी का आक्रमण हुआ था, टर्किश इन्वेजन हुआ था, तो उस समय से ही मेहराब और गुंबद का यूज हो रहा था, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तीसरा देखते हैं, तैमूरी वंश की इस क्षेत्र में स्थापना होना, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बाबर था वो अपने पिता के साइड से तैमूर का वंशज था, तो स्टेटमेंट थर्ड सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कि स्टेटमेंट सिर्फ थर्ड ही सही है। 22वां प्रश्न, किस मुगल शासक को उपवनों या उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा गया? तो ये कहा गया बाबर को ही कहा गया, क्योंकि उसे उद्यानों और उपवनों में बहुत रुचि थी। 23वां प्रश्न, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है टर्की भाषा में। तो ये जो बाबर की आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब होता है अपनी जीवनी खुद ही लिखना, तो जब टर्किस भाषा में जो थी उसका नाम था तुजुके बाबरी। 24वां, मुबैया नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? सेम ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ गया, कि ये जो मुबैया नामक पद्य शैली थी इसके जन्मदाता कौन थे? बाबर थे। तो ये तुजुके बाबरी किस भाषा में है, पिछले प्रश्न हम लोग देख चुके थे, टर्की भाषा में है। 25वां प्रश्न देखते हैं, तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया? तो फारसी भाषा में इसका अनुवाद किया गया था अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा, और जब यह फारसी भाषा में अनुवाद हुआ तो इसका नाम रखा गया
बाबर नामा, बाबर नामा। तो 25वां का ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 26वां प्रश्न, तुजू के बाबरी का अनुवाद अंग्रेजी में किसने किया? तो अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया गया था मैडम बेब्रिज के द्वारा। तो 26वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 27वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? तो अकबरनामा आत्मकथा नहीं है, अकबर ने खुद नहीं लिखा था। हुमायूं नामा भी नहीं है, इसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूं नामा, तो ये भी गलत है। पादशाह नामा भी नहीं है, इसे लिखा गया था अब्दुल हमीद लाहौरी के द्वारा। लेकिन तुजुक ए बाबरी जो कि टर्की में और बाद में फारसी में जब अनुवाद हुआ तो नाम रखा गया बाबर नामा। ये एक आत्मकथा थी, मतलब खुद के द्वारा ही लिखा गया था बाबर के द्वारा। 28वां प्रश्न, रिसाल ए उसज मतलब होता है खत ए बाबरी, मतलब बाबर के लिखे खत, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑब्वियसली बाबर के द्वारा लिखा गया। तो 28वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 29वां देखते हैं, किसने दो कविताएं दीवान जो कि तुर्की भाषा में थी और मुबैया जो कि फारसी भाषा में थी, इसको संकलित किया? तो वो था बाबर। तो 29वां का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 30वां देखते हैं, मुगल बादशाहों का सही श्रृंखला कौन सा है? मतलब कौन पहले बादशाह है, फिर कौन? तो बाबर तो पहले आए थे, बिल्कुल सही है, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। लेकिन यहाँ पे औरंगजेब नहीं, पहले शाहजहां आए थे तब औरंगजेब, तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी देखेंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, फिर शाहजहां और औरंगजेब, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 31वां प्रश्न, बाबर कहाँ मरा था? तो बाबर कहाँ मरा था? तो 31वां का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर आगरा में मरा था। 32, बाबर की मृत्यु आगरा में कब हुई थी? तो बाबर की मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी में, तो ये 1526 से लेकर 1530 ईस्वी तक था, तो 1530 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 33वां, बाबर का मकबरा किस जगह स्थित है? तो बाबर का मकबरा स्थित है काबुल में, अफगानिस्तान, जो आज का अफगानिस्तान है उसकी राजधानी काबुल, तो वहां पे 33वां का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये था बाबर के बारे में। तो बाबर के बारे में जो भी प्रश्न थे उन सबको मैंने संकलित करके एक जगह रख दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला राजा जो था हुमायूं उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक तो जरूर ही कीजिए। आइए आगे देखते हैं। 34वां प्रश्न, बाबर के बाद मुगल काल के अगले बादशाह कौन बने? तो बाबर के बाद जो अगले बादशाह बने थे वो थे हुमायूं। हुमायूं का कार्यकाल था 1530 से लेकर 1540। इसके बाद फिर यहाँ पे हमला हो गया था शेर शाह का, उसके बाद ये 15 सालों तक हुमायूं ईरान में बिताए थे निर्वासन के रूप में, एग्जाइल के रूप में, और फिर वापस आए थे 1555 में। तो आगे देखते हैं 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक हुमायूं का भाई नहीं था? कामरान ये बिल्कुल भाई था, हिंदल भी था, अस्करी भी था, लेकिन अब्दुल उस्मान इनका भाई नहीं था। तो 35वां का हो जाएगा डी। 36वां देखते हैं, हुमायूं ने चौसा में एक युद्ध किस वर्ष लड़ा था? तो चौसा में जो हुमायूं ने युद्ध लड़ा था वो था 1539 ईस्वी में, शेर शाह के खिलाफ यह युद्ध लड़ा गया था। 37वां, चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो अभी मैंने बताया ये हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था चौसा का युद्ध। 37 का हो जाएगा बी। 38वां प्रश्न, हुमायूं ने शेर शाह के विरुद्ध कन्नौज, जिसका नाम बिलग्राम भी था, में किस वर्ष में युद्ध लड़ा? तो चौसा में लड़ा था 1539 में और बिलग्राम यहां लड़ा गया था 1540 में। यही दोनों युद्धों में हुमायूं की करारी हार हुई और फाइनली उसे भारत छोड़कर भागना पड़ा और ईरान में जाकर शरण लेना पड़ा। 39वां प्रश्न, 1540 में शेर शाह ने कन्नौज में हराया था, किसे हराया था? तो ये हराए थे हुमायूं को, कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में। 40वां प्रश्न, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वो बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज कह सकते हैं। 1540 में ये शेर शाह हुमायूं को हराने के बाद यहाँ पे अफगान सत्ता की स्थापना किया था। 41वां प्रश्न, किसने शेर शाह से दो युद्ध हारने के बाद 12 साल ईरान में निर्वासन के रूप में बिताया? तो वो थे हुमायूं। तो 41 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 42वां प्रश्न, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की? तो पुनर्स्थापना किया 1555 से लेकर 1555 1556 ईस्वी में पुनर्स्थापना किया गया हुमायूं के द्वारा। 43, हुमायूं की जीवनी हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो ये लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो इनकी बहन थी। 44वां प्रश्न, हुमायूं ने कब पहली बार चुनार किले पर हमला किया? तो पहली बार हमला किया गया था हुमायूं के द्वारा चुनार किले पे 1532 एडी में। 45वां प्रश्न, यहाँ पे क्या है कि चार बैटल्स आपके दिए गए हैं,
और इसमें आपको एक क्रमानुसार इसे आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा बैटल हुआ, फिर कौन सा, फिर कौन सा। तो देखिए, ये जो घाघरा का बैटल है ये हुआ था 1529 ईस्वी में बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच में, हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये जो बैटल ऑफ खानवा है ये हुआ था 1527 में। बैटल ऑफ चौसा अभी हम लोग देखे, ये हुआ था 1539 में। और बैटल ऑफ सामूगढ़ बहुत बाद में हुआ था, ये तो हुआ था लगता है 1658 में, शाहजहां के बेटों के बीच में कि कौन गद्दी पर बैठेगा उसके बीच में ये हुआ था। तो आप अरेंज कर लीजिए, पहले यहाँ पे बी हो जाएगा मतलब दूसरा, फिर पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा, मतलब 2 1 3 4, 2 1 3 4। देखिए ऑप्शन ए में ही है तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 46वां प्रश्न, किसने दिल्ली में दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो दीन पनाह को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था हुमायूं ने, तो 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 47, किस मुगल बादशाह की मौत 1556 ईस्वी में अपनी पुस्तकालय की सीढ़ियां चढ़ते हुए हुई? तो ये मौत हुई थी हुमायूं की, ये अपने पुस्तकालय की सीढ़ियां चढ़ रहा था और उसी से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई। तो 47 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48वां देखते हैं, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पुल ने लिखा है, वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो ये हुमायूं के बारे में लिखा गया क्योंकि ये पुस्तकालय से गिरकर ऑब्वियसली ठोकरें खा खा कर ही मतलब मरा। 49, हुमायूं को दफनाया गया था, तो हुमायूं को कहाँ दफनाया गया था? तो ये दफनाया गया दिल्ली में, तो हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। 50वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसने सबसे पहले रुपए के सिक्के जारी किए? तो अब हम लोग आ चुके हैं शेरशाह में, 1540 में बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज हारने के बाद मैंने बताया कि हुमायूं को भागना पड़ा था और इंडिया में अफगान सत्ता काबिज हो चुका था जिसके लीडर थे शेरशाह। तो अब शेरशाह के बारे में हम लोग कुछ प्रश्न देखने वाले हैं। तो निम्न निम्न में से किसने सबसे पहले रुपए के सिक्के जारी किए? तो वो जारी किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये हो गया 50वां का सी करेक्ट हो जाएगा। 51, किसने पूरे साम्राज्य के लिए एक समान मानक वजन और मापन को पक्का किया, मतलब स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स, ये किसके द्वारा लाया गया? ये भी लाया गया शेरशाह के द्वारा। तो 51 का है ऑप्शन ए। 52, काबुलियत और पट्टा इसको किसने प्रस्तावित किया, किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? तो ये भी इंट्रोड्यूस किया गया था शेरशाह के द्वारा। 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 53, किसके समय में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की, मतलब उस समय किसका कार्यकाल था? तो उस समय था शेरशाह का कार्यकाल। तो 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 54 देखते हैं, कलकत्ता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे शॉर्ट में कहते हैं जीटी रोड, इसको किसने बनवाया था? तो ये भी बनवाया था शेरशाह ने और ये इसका एक बहुत ही बड़ा योगदान है क्योंकि जीटी रोड काफी फेमस है, हम लोग हमेशा सुनते हैं, और ये बनवाया गया था शेरशाह के द्वारा ही कलकत्ता से पेशावर तक। 55, ग्रैंड ट्रंक सड़क जो है जीटी रोड, ये किसको, किस शहर को किस शहर से जोड़ती है? तो ये जोड़ती है कोलकाता को अमृतसर से, इसलिए क्योंकि कोलकाता से पेशावर था लेकिन पेशावर तो अब पाकिस्तान में है, तो चूंकि अब इंडिया में उसका ही बात करेंगे तो कोलकाता से अमृतसर को जोड़ता है जीटी रोड। 56वां प्रश्न, निम्न में से किसने पहले हजरते आला का उपाधि धारण किया और फिर बाद में सुल्तान का उपाधि धारण किया? तो ये धारण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो 56 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 57, पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने। तो 57 का ए करेक्ट है। 58, शेरशाह की मृत्यु कब्जाने में हुई थी, कौन सा शहर कब्जाने में हुई थी? तो यह हुई थी कलिंजर शहर को कब्जाने में 1545 ईस्वी में। तो शेरशाह का कार्यकाल हो गया 1540 से लेकर 1545, 1545 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आया इस्लाम शाह, इस्लाम शाह के बाद आया मोहम्मद अली शाह, इस तरीके से सूर साम्राज्य आगे चला। तो 59 देखते हैं, शेरशाह को दफनाया गया था, तो शेरशाह को दफनाया गया था सासाराम में जो कि आज के बिहार में है। 60 देखते हैं प्रश्न नंबर, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहां दफनाया गया था वहीं है सासाराम में जो कि बिहार में है। 60 का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए यूपीपीसीएस 2002 में प्रश्न आया हुआ है, सेम प्रश्न है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये देखिए अलग में यूपीपीसीएस 2005 में भी आया हुआ है, तो ये कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। आगे देखते हैं 62वां, यहाँ पे शेरशाह का खत्म हो गया और इसके बाद अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं 62वां प्रश्न देखते हैं, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था कालानौर जो कि पंजाब में है, पंजाब में। और कब हुआ था अकबर का राज्याभिषेक? यह हुआ था 14 फरवरी 1556 ईस्वी में। 63 देखते हैं,
अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? क्योंकि अकबर सिर्फ 13 साल की उम्र में राजा बन गया था, तो उस समय इसका संरक्षक था बैरम खां। 63 का डी। 64, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? पहली तो हम लोगों ने देख ली थी, छठे प्रश्न में ही देख लिया था कि पहली हुई थी 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। दूसरा कब हुआ था? यहाँ पे 1526 लिखा है मैंने। दूसरा कब हुआ था? दूसरा हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। तो 64 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 65, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी अकबर और हेमू के बीच में। 65 का ए करेक्ट हो जाएगा। हेमू का जो पूरा नाम था वो था सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, और ये एक हिंदू राजा थे जो कि नॉर्थ नदर्न इंडिया मतलब उत्तरी भारत में ये उस समय शासक थे। 66वां प्रश्न, दीन-ए- इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था अकबर के द्वारा। 66 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 67 देखते हैं, अकबर ने दीन-ए-इलाही किस वर्ष आरंभ किया? तो अकबर ने इसे आरंभ किया था 1582 में। 68 देखते हैं, निम्न में से कौन दीन-ए-इलाही का एक सदस्य बना? तो वो इकलौता सदस्य जो सबसे पहले बने थे, और वो थे राजा बीरबल, जो कि दीन-ए-इलाही का सदस्य बन गए थे इस नए धर्म का। 69, अकबर का दीन-ए-इलाही सफल नहीं रहा, उसकी वजह क्या थी? देखते हैं ऑप्शन। आफ्टर अकबर इट वॉज नॉट पेट्रनाइज, मतलब अकबर के बाद इसका कोई अच्छा संरक्षक नहीं था, तो ये बिल्कुल सही है। द मुस्लिम्स डिड नॉट एक्सेप्ट अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मतलब जो मुस्लिम समाज के लोग थे वे कुछ अलग प्रैक्टिस को अपना नहीं सके, तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट वॉज नॉट सुटेबली प्रोजेक्टेड टू द मासेस, मतलब जनता के बीच में इस धर्म को अच्छी तरीके से प्रोजेक्ट नहीं किया गया, ये भी इसकी एक वजह थी इसका जो आगे नहीं रहा सफल यह धर्म। तो ये तीनों ही वजह थे, इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 70, अकबर ने बिहार और बंगाल को कब अपने राज में मिलाया? तो अकबर ने बिहार और बंगाल को 1576 AD में अपने राज में मिला लिया था। यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। 71, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो गुजरात विजय की यादगार में निर्माण कराया था अकबर ने बुलंद दरवाजा का। 71 का ऑप्शन बी करेक्ट है। 72, पहला अंग्रेज जिसने अकबर के दरबार में उससे मुलाकात किया वो कौन था? वो था राफ फिज। 72 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 73 देखते हैं, आईने अकबरी इसके लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फजल। 71 का ए। 74, अकबर के दरबार का सबसे प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन थे, उनका असली नाम क्या था? तो तानसेन का असली नाम था राम तनु पांडे। 74 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 75, निम्न में से कौन एक अनपढ़ था, मतलब चार राजाओं के नाम दिए गए, अनपढ़ कौन था? तो अनपढ़ था अकबर, क्योंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं सिर्फ 13 साल की उम्र में राजकुमार बन गया था। 76, अकबर के काल में राजस्व प्रणाली किसके हाथ में था? तो अकबर के काल में जो राजस्व प्रणाली था वो हाथ में था टोडरमल के। 76 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राजा टोडरमल जिनको फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इनको फाइनेंस मिनिस्टर इन्हीं के हाथ में थी, इसीलिए कहा जाता है राजस्व प्रणाली टोडरमल के हाथ में थी। 77, अकबर अपनी धार्मिक चर्चा किया करते थे, कहाँ किया करते थे अकबर अपनी धार्मिक चर्चा? तो ये किया करते थे इबादत खाना में, जो कि थी फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी में था ये इबादत खाना, और ये बनाया गया था 1575 ईस्वी में। 78 देखते हैं, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो मनसबदारी जो प्रणाली थी इसको प्रारंभ करने वाले थे अकबर। 78 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी करेक्ट हो जाएगा। 79 देखते हैं, सती प्रथा की भर्त्सना मतलब निंदा ये करने वाले मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे अकबर। 79 का सी। 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था? तो महाभारत को फारसी में अनुवाद करने वाले थे मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी। इनके साथ एक और थे जिनका नाम था फैजी। ये दोनों ने मिलकर महाभारत को फारसी में अनुवाद किया था, जिसका नाम ये लोग रखे थे रज्मनामा। रज्मनामा, रज्मनामा का मतलब होता है जंग की किताब। 81, अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोग बात किए उस वो जाना जाता है रज्मनामा के नाम से, जिसका मतलब होता है जंग की किताब। 82,
किसने अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया? तो महाभारत हम लोग देख चुके हैं, अब है कि रामायण का अनुवाद किसने किया था, तो यह किया गया था अब्दुल कादिर बदायूं के द्वारा। तो 82 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 83 देखते हैं, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा गृह इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था इबादत खाना। तो 83 का ऑप्शन सी। 84, किस मुगल शासक ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई? तो यह अपनाया गया था अकबर के द्वारा। 84 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 85, निम्न में से कौन सा एक भारतीय शासक अकबर का समकालीन था? तो एक्चुअली था नहीं, थी दिए गए ऑप्शंस में, तो वो है रानी दुर्गावती। तो 85 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 86 देखते हैं, अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नाम के एक अधिकारी की भूमिका क्या होती थी? तो अमल गुजार नाम के जो अधिकारी होते थे उनका भूमिका होता था भूमि राजस्व जो होता है उसका मूल्यांकन करना और संग्रह करना, मतलब जो लैंड रेवेन्यू है उसका असेसमेंट करना और कलेक्शन करना, यही था अमल गुजार नाम के अधिकारी का काम था। 87, अकबर के शासनकाल में निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र मुगल काल से बाहर का क्षेत्र था? तो वो था बीजापुर। दिए गए ऑप्शंस में बीजापुर जो है वो मुगल काल के अंतर्गत नहीं आता था। 88, अकबरनामा किसने लिखा? अकबरनामा को मतलब किनके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा, अकबरनामा लिखा गया था। 89, कौन सा मुगल बादशाह ने हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर को हटाया था? मतलब जजिया एक टाइप का टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर लगता था, तो हिंदुओं के ऊपर से जजिया कर को किसने हटाया? तो यह हटाया गया था अकबर के द्वारा। तो 89 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 90, निम्न में से कौन एक अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? तो अकबर के दरबार में नवरत्न थे तो उसमें से कौन नहीं है? तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये तो बिल्कुल थे, मुल्ला दो प्याजा भी थे, भगवान दास भी थे, लेकिन राणा प्रताप जो है ये अकबर के नवरत्नों में से नहीं थे। तो ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा 90 का सी। यहाँ पे देखिए नवरत्नों के नाम मैंने लिख दिए आप लोगों के लिए, बीरबल थे, अबुल फजल थे, फैजी, टोडरमल, भगवान दास, मान सिंह, तान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना और मुल्ला दो प्याजा, यही नवरत्न थे अकबर के। प्रश्न नंबर 91, अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो ये अकबर के दरबार में थे, इनफैक्ट ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 92, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा ये किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? सेमी प्रश्न है, अलग तरीके से पूछा गया SSC 99 में। तो ये था अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। 93, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका जो म्यूसोलियम है तानसेन का वो कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ग्वालियर में, जो कि आज के मध्य प्रदेश में है। 94, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी अकबर के दरबार में रहे थे, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। 95, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधारों के लिए जो उत्तरदायी थे वो थे टोडरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। 96, निम्नलिखित में से किस शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? मतलब जो पिलग्रिमेज टैक्स, मतलब तीर्थ यात्रा करने के लिए भी टैक्स लगता था, तो वो समाप्त किया गया था अकबर के द्वारा। तो 96 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 97, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए? एजुकेशनल रिफॉर्म करने वाले जो थे वो थे अकबर। 97 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 98, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को। तो 98 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 99, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो थे सिसोदिया वंश के जो राजपूत थे। 99 का ऑप्शन बी है, वही उन्हीं लोगों ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था। प्रश्न नंबर 100, इतिहासकार अबुल फजल ये किसके द्वारा मारा गया? तो ये जो अबुल फजल था ये मारा गया था बीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा। 101, अकबर के द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत बौद्ध मठ के सिद्धांत पर आधारित थी? तो ये था पंचमहल, जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, लेकिन ये बौद्ध मठ के सिद्धांत, बौद्ध के जो बौद्ध लोगों के जो मठ होते हैं उसी के सिद्धांत पर ये बनाया गया था, और ये बनाया गया था फतेहपुर सिकरी में ये बनाया गया था पंचमहल। 102 देखते हैं, अकबर के द्वारा राजपूतों के साथ पहला वैवाहिक गठबंधन किसके घर से स्थापित किया गया था? तो पहला स्थापित किया गया था कछवाहों के घर से। तो 102 का बी करेक्ट है। 103,
तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस किसके शासनकाल में रचा गया? तो ये रचा गया अकबर के शासनकाल में, तुलसीदास द्वारा रामचरित मानस की रचना हुई। 104, निम्न में से कौन सी संरचना बादशाह अकबर ने फतेहपुर सिकरी में की थी? तो हम लोग बात कर चुके हैं पहले ही, ये था पंचमहल, जो कि बौद्ध लोगों के जो मतलब मठ होते हैं उसके आधार पे बनाया हुआ था, और ये फतेहपुर सिकरी में है, जो कि संरचना बादशाह अकबर द्वारा की गई है। तो 104 का सी करेक्ट हो जाएगा। 105, कौन सा स्मारक फतेहपुर सिकरी में नहीं है? तो पंचमहल तो है ही, गोल्डन पैलेस भी है, जोधा भाई का महल भी है फतेहपुर सिकरी में, लेकिन अकबरी महल ऐसा कोई नाम का महल वहां पे नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 106, किस मुगल शासक द्वारा फतेहपुर सिकरी को राजधानी के रूप में स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी को राजधानी के रूप में। 107, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना को किसने बनवाया? तो इबादत खाना को बनवाया गया था अकबर के द्वारा, और यह बनवाया गया था 1575 ईस्वी में, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। 108, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह ने सुलह ए कुल की नीति को अपनाया? सुलह ए कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, हर ओर शांति, ऐसी नीति को अपनाने वाला था अकबर। 108 का ऑप्शन ए करेक्ट है। 109, अकबर के समय में अहदीस क्या थे, मतलब अहदीस किन को बोला जाता था? तो ये बोला जाता था फुट सोल्जर इन द आर्मी, मतलब आर्मी में जो पैदल चलने वाले फुट सोल्जर्स थे उनको कहा जाता था अहदीस। 110, रागा मियां की मल्हार ये किसके द्वारा बनाया हुआ माना जाता है? तो ये माना जाता है कि ये तानसेन के द्वारा ये बनाया गया है, जो कि बहुत ही बड़े म्यूजिशियन थे तानसेन। 111, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी का विद्वान कौन था? तो ये थे मलिक मोहम्मद जैसी, और इनकी कई सारी संरचनाएं हैं, जैसे कि एक तो सबसे फेमस है पद्मावत, पद्मावत, इसके अलावा और भी है, जैसे कि अखरावत, ये भी इन्हीं के द्वारा ही लिखा गया है, या तो फिर आखिरी कलाम, ऐसी बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी। 112, निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है। कश्मीर वॉज अनेक्स्ट टू मुगल एम्पायर बाई हुमायूं, नहीं, कश्मीर को अकबर के द्वारा जीता गया था, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। गुजरात ये अकबर के द्वारा जीता गया था, और इसी की याद में ही तो बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। मालवा को भी अकबर नहीं जीता था, यह भी स्टेटमेंट गलत है। खानदेश को भी अकबर नहीं जीता था, यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन बी ही सिर्फ इसमें करेक्ट है, 112 का बी हो जाएगा। 113, उपनिषदों को फारसी भाषा में दारा शिकोह द्वारा अनुवाद किया गया, जिसका शीर्षक क्या था? तो इसका शीर्षक था सर ए अकबर, उपनिषदों को जो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। 114, तो यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और इस साइड उनके काम दिए गए हैं, तो आपको सही मैच करना है। तो अब्दुल हमीद लाहौरी, तो ये लिखे थे बादशाह नामा, तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 4। इसके बाद देखिए अबुल फजल, अबुल फजल लिखे थे अकबर नामा। उसके बाद बदायूं, बदायूं लिखे थे मुंतखाबुत तारीख, तो सी का 2 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा है, निजामुद्दीन अहमद, तो ये लिखे थे तबाकते अकबरी। तो यहाँ पे अगर आप मैच करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 114 का डी हो जाएगा। 4, 4 के बाद 1, फिर 2 और 3, पहले का 4, फिर 2 का 1, और फिर 3 का 2, और फिर 4 का 3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 115 देखते हैं, अबुल फजल ये तो सेम ही है, पिछले वाला प्रश्न ही है, मतलब एक ऑप्शन बस इसमें डिफरेंट है, जहांगीर। तो जहांगीर की अगर आप रचना देखेंगे तो इसकी है तुजू के बाबरी जहांगीरी, तो यहाँ पे डी का ऑप्शन 2 हो जाएगा। बाकी सब सेम ही है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3142। अबुल फजल का 3, आईने अकबरी हम लोग पहले देख चुके हैं, उसके बाद बदायूं का ए, मुंतखबुत तारीख, और निजामुद्दीन का तबाकते अकबरी। तो आप इसको मैच कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। 116, यहाँ पे कुछ इवेंट्स हैं और वो किस साल में हुए हैं वहाँ पे दिया गया है। तो कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा, मालवा पे जीत 1561 में, ये बिल्कुल सही है। फिर इबादत खाना को कब बंद किया गया, 1582 ईस्वी में, बनाया गया था 1575 में, और 1582 में इसको बंद कर दिया गया, ये भी बिल्कुल सही है। इलाही इरा का शुरुआत हुआ था 1584 में, ये भी सही है। और उड़ीसा पे विजय प्राप्त किया गया था 1592 में। तो चारों के चारों सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ए 1 2 3 4, सभी का आंसर सामने ही है। 117, निम्न में से कौन फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है, आपको ये बताना है कि कौन सा स्थित नहीं है। तो पंचमहल तो है ही, और उसके बाद सलीम चिश्ती का मकबरा भी है, मरियम पैलेस भी है, लेकिन मोती मस्जिद नहीं है, मोती मस्जिद है दिल्ली में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 118,
एक प्रसिद्ध जैन विद्वान जिसे अकबर द्वारा सम्मानित किया गया था, वो कौन थे? तो वो थे हरिविजय सूरी, इनका पूरा नाम था। 119, अबुल फजल के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मुगल चित्रकार विशेषताएं बनाने में उत्कृष्ट था? तो विशेषताएं बनाने में जो उत्कृष्ट था वो था बसवन। तो 119 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 120, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी एक बहुत ही फेमस युद्ध हुआ था हल्दी घाटी में, जो लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो वो है 18 जून 1576। इसके बारे में आगे के प्रश्नों में हम लोग और बात करेंगे। 122, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 122, किस जाट नेता ने बादशाह अकबर के मकबरे, जो कि सिकंदरा में है, उसको हानि पहुंचाई तथा अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया? तो वो जाट नेता कौन था? तो वो था राजा राम। तो 122 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 123 देखते हैं। उसके पहले अकबर की कहानी यहीं तक थी, अकबर की कहानी समाप्त हो गई। आगे हम लोग देखेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये सब के बारे में देखेंगे। तो उसके पहले प्लीज चैनल को थोड़ा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है। तो आइए अब देखते हैं जहांगीर के बारे में। मुगल कालीन चित्रकारी का विकास किसके काल में हुआ? तो यह हुआ था जहांगीर के शासनकाल में। तो 123 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 124 देखते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं, यह किस मुगल शासक ने कहा था? तो यह कहा था जहांगीर ने। 124 का बी। 125, मैंने अपना राज्य अपनी प्यारी बेगम के हाथों में एक प्याला शराब और एक प्याला शोरबे के लिए बेच दिया है, यह किसने कहा था? तो यह भी कहा गया था जहांगीर के द्वारा। तो 125 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 126, जहांगीर के शासनकाल में कांधार को वापस नहीं कब्जाया जा सका, तो इसकी वजह क्या थी? इन एफिशिएंसी ऑफ मुगल आर्मी, इफिशियंट तो थी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं है कि इफिशियंट नहीं थी, मतलब उतनी अच्छी नहीं थी मुगल आर्मी, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। रेफ्यूजल ऑफ खुर्रम टू प्रोसीड टू दैट प्लेस, उस जगह पे जाने से ही खुर्रम का मना कर देना, ये एक वजह थी कि क्यों कब्जाया नहीं जा सका। फिर क्या है कि वहाँ पे चढ़ाई चढ़ना बहुत ही कठिन था, चाहे वातावरण देख ले, चाहे रास्ता देख ले, पहाड़ों के रास्ता से होकर जाता था, तो ये भी ऑप्शन सही है। फिर वहाँ पे अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा ठंड थी, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट 2, 3 एंड 4 ये सही है। 127, मुगल बादशाह जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दिया दी थी? तो जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि जिसको दी थी वो था यहाँ पे विलियम हॉकिंस, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 127 का ऑप्शन सी करेक्ट है, इसे ही मुगल बादशाह जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। 128, यहाँ पे देखिए बादशाह हैं मुगल के और उनकी जो टॉम्स हैं, मतलब मकबरे हैं, तो कहाँ है आपको करेक्ट मैच करना है। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का है काबुल में, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। अकबर का है सिकंदरा में, जहांगीर का है लाहौर में और शाहजहां का है आगरा में। तो यहाँ पे देख लीजिए 3, 4, 1, 2, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3, 4, 1, 2। तो 128 का हो जाएगा सी। 129 देखते हैं, फिर से वही है, मुगल रूलर है और उनके मकबरे हैं, तो कुछ कुछ अलग होगा, देख लेते हैं हम लोग। बाबर का कहाँ था? अभी हम लोग बात किए थे काबुल में। हुमायूं का था दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में और जहांगीर का लाहौर में। तो यहाँ पे 1, 2, 3 हो जाएगा, सारे ही आमने सामने हैं, तो ये मकबरों का सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा एक दो और जान लीजिए, जैसे कि हुमायूं, हम लोग पहले बात कर चुके हैं, तो हुमायूं का कहाँ है? हुमायूं का है दिल्ली में, सॉरी ये तो है ही यहाँ पे ऑप्शन में। इसके अलावा शेर शाह, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो शेर शाह का हम लोग बात कर चुके हैं, वो है सासाराम में, जो कि अभी के बिहार में है। 130वां प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो जहांगीर का तो नहीं है लाहौर में, बाबर का काबुल में है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि बोथ 1 एंड 2, यहाँ पे लिख लीजिएगा बोथ 1 एंड 2, क्योंकि ये दोनों का ही मकबरा भारत में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 131, आगरा का मोती मस्जिद किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो आगरा का मोती मस्जिद जो है वो शाहजहां के शासनकाल में बनवाया गया था। 132, निम्न में से किसे लाल किला के बनाने का श्रेय मिलना चाहिए? तो ये तो ऑब्वियसली शाहजहां को ही जाता है, तो 132 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 133, शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था शाहजहां को मीर जुमला के द्वारा, तो 133 का ऑप्शन सी करेक्ट है। 134,
मुगल साम्राज्य के दौरान निम्न में से कौन सा राज्य 1622 में हारा गया, फिर वापस 1638 में मिल गया, लेकिन फिर 1649 में हमेशा के लिए वो हार गया उस जगह को, तो उस जगह का नाम था कांधार। तो 134 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 135, नीचे दिए गए कथनों में से ताजमहल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है आपको ये बताना है। तो ये तो एक बहुत ही अच्छा मकबरा है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था और ये आगरा फोर्ट के बाहर है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है द नेम्स ऑफ आर्टिजन्स हु बिल्ट इट आर इंग्रेव्ड ऑन इट, मतलब जो कारीगर बनाए उनका नाम उस पर लिखा हुआ था, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो स्टेटमेंट डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 136, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज महल जिसकी याद में बनवाया गया था ताजमहल, उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। तो 136 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शाहजहां ने किसे मल्लकाए जमानी की उपाधि दी? तो इन्होंने अपनी बीवी अर्जुमंद बानो बेगम को ही ये उपाधि दी थी, जिनका नाम मुमताज महल भी था। तो 137 का ए करेक्ट हो जाएगा। आगरा में इत्तिमाद उद दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया? तो ये बनवाया गया था नूर जहां के द्वारा। इत्तिमाद उद दौला का मकबरा आगरा में बनवाया गया था। 139, किसने अपने बादशाह पति का मकबरा खुद ही बनवाया था? तो वो कौन थी? तो वो थी हाजी बेगम, जिन्होंने अपने बादशाह पति का मकबरा खुद ही बनवाया था। 140, 1631 में मुगल सेनाओं द्वारा दौलताबाद के किलों को घेर लिया गया और इसे उन्हें समर्पित करना पड़ा, ये बिल्कुल सही है। मलिक अंबर ने दौलताबाद किले के घेरेबंदी के समय अपने सुल्तान को धोखा दिया, ये भी सही है। तो अजरसन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट है। यहाँ पे रीजन अजरसन को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि स्टेटमेंट तो दोनों ही सही है लेकिन रीजन अजरसन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। 141, गुरु अर्जन देव किसके समकालीन थे? मतलब जिस समय गुरु अर्जन देव थे, तो दिए गए ऑप्शंस में कौन उसी समय, ठीक उसी समय वो भी थे? तो वो हैं जहांगीर, जब अर्जन देव थे उसी समय जहांगीर भी थे। 142, किसे मुगल साम्राज्य को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, मतलब मुगल अंपायर को ट्रांसफर किया आगरा से दिल्ली? तो ये किया गया था शाहजहां के द्वारा। तो 142 का ऑप्शन डी हो जाएगा। और यह स्थानांतरित किया गया था 1638 ईस्वी में। 143, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो यह उपाधि दिया गया था दारा शिकोह को। 144, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो ये कहा गया है एल श्रीवास्तव के द्वारा, शाहजहां के शासनकाल को कहा गया है स्वर्णिम युग। 145, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है? तो यह कहलाता है राबिया उद दौरनी का मकबरा, या तो जिसे बीबी का मकबरा भी कहते हैं, इसी को माना जाता है द्वितीय ताजमहल। 146, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? तो देखिए यूपीपीसीएस 1998 में प्रश्न आया हुआ है। तो जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था उस्ताद मंसूर। तो 146 का डी हो जाएगा। 147, किस मुगल शासक का दो बार राज्याभिषेक हुआ? तो यहां से औरंगजेब की कहानी शुरू हो जाती है, जहांगीर और शाहजहां की खत्म होती है। तो ये है दो बार जिसका राज्याभिषेक हुआ था वो था औरंगजेब। तो 147 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 148, निम्न में से कौन सा यंत्र औरंगजेब बजाता था? तो ये बजाता था वीणा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 148 का। 149, औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, इसकी वजह क्या थी? उसे वास्तुकला में कोई रुचि नहीं थी, तो ये बिल्कुल गलत है, उसे रुचि थी। राजमिस्त्री उपलब्ध नहीं थी, ये तो बिल्कुल गलत है। वह मित व्ययी था, ये भी गलत है। उसे अपने शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, यही सबसे बड़ा वजह था कि इसके शासनकाल में ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं हुआ। 150, अंततः दारा शिकोह औरंगजेब से किस युद्ध में उत्तराधिकारी का युद्ध हार गया? इन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, लेकिन फाइनली बैटल ऑफ सामूगढ़, जिसका बात हम लोग पहले कर चुके हैं, 150 का बी, बैटल ऑफ सामूगढ़ में ये तय हो गया कि अगला उत्तराधिकारी औरंगजेब ही बनने वाला है। तो 150 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 151, मुगल काल में जिंदा पीर किसे कहा गया? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारे एग्जाम्स में आता है। तो जिंदा पीर कहा गया औरंगजेब को। 151 का बी हो जाएगा। 152, जजिया कर को वापस से किसके काल में लगाया गया?
अकबर ने हटा दिया था लेकिन वापस औरंगजेब के शासनकाल में से वापस से लगा दिया गया, तो 152 का डी हो जाएगा। 153, वह मुगल बादशाह जिसने सबसे ज्यादा हिंदू अधिकारियों को नियुक्त किया, तो वो था औरंगजेब। तो 153 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 154, निम्न में से दो राज्य जिसे दक्कन में औरंगजेब ने जीता, तो वो कौन से राज्य थे? तो वो थे बीजापुर और गोलकोंडा। 154 का सी। 155, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजित किया था वे थे? सेमी प्रश्न अलग तरीके से अलग एग्जाम में पूछा गया है इसीलिए मैंने ले लिया है, तो वो है बीजापुर और गोलकोंडा। तो 155 का सी हो जाएगा। 156, मुगल काल का विस्तार दक्षिण के तमिल इलाके तक किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। 156 का डी हो जाएगा। 157, निम्न में से कौन से मुगल बादशाह ने अपने शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा दक्कन के राजाओं को उखाड़ फेंकने में लगाया? तो वो थे औरंगजेब। इन्होंने अपने शासनकाल का बड़ा हिस्सा दक्कन के राजाओं को ही हटाने में लगाया था। 158, 158 देखते हैं। औरंगजेब ने वृंदावन में मंदिर बनाने के लिए जमीन दान दिया था, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। उन मंदिरों के न्यासी मतलब जो ट्रस्टीज थे वो औरंगजेब के पसंदीदा दरबारी थे, और पसंदीदा दरबारी थे इसीलिए तो ये जमीन दान दिया गया था। तो यहाँ पे अजरसन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन जो है वो अजरसन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 159, निम्न में से कौन बादशाह औरंगजेब की पुत्री थी? तो औरंगजेब की जो पुत्री थी उनका नाम था जेबोनिसा, ये औरंगजेब की सबसे बड़ी पुत्री थी, एल्डेस्ट डाउटर थी। 160, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकार युद्धों में सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा माना जाता है? तो सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है वो है वॉर ऑफ सामुगढ़ या बैटल ऑफ सामुगढ़। 161, औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नजरबंद कर दिया जहां 8 वर्ष के बाद नजरबंदी के हालत में ही शाहजहां की मौत हो गई थी? तो वो किला था आगरे का किला, आगरा फोर्ट। 162, वह मुगल बादशाह जिसने तंबाकू के सेवन पर रोक लगाया था, तो वो था जहांगीर था, और ये लगाया गया था 1617 ईस्वी में, जहांगीर के द्वारा ये रोक लगाया गया था, और इंट्रोड्यूस जो है तंबाकू को किया गया था पोर्चुगीज के द्वारा, मतलब पुर्तगालियों के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। 163 देखते हैं, कौन से सिख गुरु का औरंगजेब द्वारा हत्या किया गया था? तो वो सिख गुरु थे गुरु तेग बहादुर, जो कि 9वें सिख गुरु थे सिख लोगों के, इन्हीं की हत्या की गई थी औरंगजेब के द्वारा। 164, धर्मत का युद्ध लड़ा गया था, तो किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच में। तो 164 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 165, औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को धर्मत के युद्ध में हरा दिया, धर्मत किस राज्य में है? तो धर्मत आज के मध्य प्रदेश में है, जो कि उज्जैन मध्य प्रदेश में ये मतलब धर्मत पड़ता है। तो 165 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 166, किस मुगल शासक ने सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को 1675 में बंदी बनाकर मार डाला जब उन्होंने इस्लाम धर्म अपनाने से मना कर दिया? तो वो था औरंगजेब। 167 देखते हैं, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। 167 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 सिखों के जो 10 गुरु थे उनका नाम मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे एक बार रिवाइज कर लें। 168, मुगल काल में तांबे का सिक्का किस नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था डैम नाम से। तो 167 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 169, मुगल काल में जिला किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल काल में जिला जिला जो था वो जाना जाता था सरकार के नाम से। तो 169 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 170 देखते हैं, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या थे? तो मुहतसिब थे लोक आचरण के जो अधिकारी होते थे उनको कहा जाता था मुहतसिब। 171, मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या दर्शाता था? तो मुगल प्रशासन में जो मदद ए मास था वो दर्शाता था विद्वानों को दी जाने वाली जो राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि होती थी उसे कहा जाता था मदद ए मास। 172, निम्न में से किस मुगल बादशाह का सबसे लंबा शासनकाल था? तो दिए गए जो ऑप्शंस है उसमें सबसे लंबा शासनकाल था मोहम्मद शाह का, जिसे रंगीला भी कहा जाता था, रंगीला भी इसे कहा जाता था। 173, निम्न में से कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो
तो वो था शाह आलम द्वितीय, यही मुगल बादशाह था वो। 174, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, जिसका बात हम लोग पिछले प्रश्न में भी किए थे। 175, मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रणाली प्रचलन में था, ये बिल्कुल सही बात है। मनसबदार को योग्यता के अनुसार चुना जाता था, यह भी बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन जो है वो अजरसन को कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसीलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि दोनों ही सही है लेकिन रीजन अजरसन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा। 176, दास्ताएं अमीर हमजा की व्याख्या किसने की थी? तो यह किया गया था अब्दुस समद के द्वारा, तो 176 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 177, नादिर शाह ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया और तख्त ए तौस मतलब जो कि मोर सिंहासन था तथा कोहिनूर के हीरे को लेकर चला गया? तो ये किया था 1738-1739 ईस्वी में इसने हमला किया था नादिर शाह ने। 178, जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया उस समय मुगल बादशाह कौन था? तो उस समय था मोहम्मद शाह रंगीला, तो 178 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 179, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम मुअज्जम था? तो ये वास्तविक नाम था बहादुर शाह प्रथम का या बहादुर शाह वन का। 180, किस मुगल शासक ने जजिया को खत्म किया जिसे औरंगजेब द्वारा दोबारा लगाया गया था? अकबर के द्वारा हटाया गया था, औरंगजेब के द्वारा दोबारा लगाया गया था, लेकिन बाद में फिर इसे हटाया गया, तो वो कौन था जो हटाया था? तो वो हटाया था जहंदर शाह ने, तो 180 का बी हो जाएगा। 181, कौन सा मुगल शासक जुल्फिकार खान की सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो वो था जहंदर शाह। 182, कौन सा मुगल बादशाह सैयद भाइयों की सहायता से गद्दी पर बैठा था? तो वो था फारूक सियार, जो कि सैयद भाइयों की सहायता से गद्दी पर बैठा था। सैयद भाइयों का नाम क्या था? 183वां क्वेश्चन, तो इसका नाम था अब्दुल्ला खान और हुसैन खान, तो 183 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 184 देखते हैं, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को मार दिया या मतलब मार गिराया? तो 184वां का जो करेक्ट है वो है मोहम्मद शाह रंगीला, 184 का डी हो जाएगा। 185, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह द्वितीय, जिसने आजादी की पहली लड़ाई जब 1857 हुआ उस समय इन्होंने ही नेतृत्व किया था। 186, बहादुर शाह थे तो क्या थे? ये लास्ट मुगल रूलर थे, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, तो 186 का बी हो जाएगा। 187, किस मुगल बादशाह की मृत्यु रंगून में हुई थी, जो कि उस समय के मतलब बर्मा कहा जाता था, आज का म्यांमार, तो रंगून में किन की मृत्यु हुई थी? तो रंगून में मृत्यु हुई थी बहादुर शाह द्वितीय की, तो 187 का डी हो जाएगा। 188, लाल किले में मुगलों की उपस्थिति किस राजा के जाने के बाद खत्म हो गई? तो वो यही थे बहादुर शाह द्वितीय और या बहादुर शाह जफर, दोनों एक ही हैं। 189, बहादुर शाह जफर जो मुगल वंश के लिए थे वही लोधी वंश के लिए कौन थे? मतलब बहादुर शाह जफर मुगल वंश के लिए आखिरी राजा थे, तो लोधी वंश के लिए आखिरी राजा कौन थे? तो लोधी वंश के जो आखिरी राजा थे वो थे इब्राहिम लोधी, हम लोग इस वीडियो के शुरुआत में ही हम लोग बात कर चुके हैं इस बारे में। 190, निम्न में से कौन सा एक पद मुगलों से संबंधित नहीं था? तो डैम तो था ही, ये हम लोग अभी देखे थे दो चार प्रश्न पहले, जागीर भी था, जीतल मुगलों से संबंधित नहीं था, यह दिल्ली सल्तनत से संबंधित था, और मनसब तो खैर था ही, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 191, 191 देखते हैं, भारतीय इतिहास में अहमद हामिद लाहौरी कौन थे? तो बेसिकली अहमद हामिद लाहौरी जो थे वो एक इतिहासकार थे और ये शाहजहां के शासनकाल में थे, तो 191 का बी करेक्ट हो जाएगा। 192, दिल्ली में स्थित कौन सा एक ऐतिहासिक धरोहर फारसी और भारतीय वास्तुकला का एक संश्लेषण था, मतलब एक सिंथेसिस था पर्शियन और इंडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का? तो वो है 192 का अगर आप देखें तो वो हो जाएगा हुमायूं का मकबरा, जो कि दिल्ली में स्थित है और यही एक फारसी और भारतीय वास्तुकला का एक मिश्रण है। 193, गुणराज खान की उपाधि किसे दी गई थी? तो गुणराज खान की उपाधि दी गई थी मालाधार बासु को, तो 193 का बी करेक्ट हो जाएगा। 194, मुगल काल में निम्नलिखित में से किसको बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो ये कहा जाता था सूरत को, तो 194 का डी हो जाएगा। 195, मतलब ये जो बुक है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक, ये जो बुक का नाम है द लास्ट मुगल द फॉल ऑफ अ डायनेस्टी दिल्ली 1857, तो इस बुक के ऑथर जो है लेखक हैं वो कौन है? तो वो है विलियम डाल रिम्पल, तो यहाँ पे 195 का बी करेक्ट हो जाएगा। 196,
प्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किस एक खान से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था गोलकोंडा के खान से। 197 विश्व प्रसिद्ध तख्ते तौस जिसे मोर सिंहासन कहा जाता था वो किस मुगल महल में रखा गया था? तो ये रखा गया था लाल किला जो दिल्ली में है उसके दीवाने आम में ये रखा गया था। 198 मयूर सिंहासन या तख्ते तौस जिसको कहा जाता था पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो अंतिम जो था वो था मोहम्मद शाह रंगीला। तो यहाँ पे 198 का हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 199 मुगल काल की राजभाषा क्या थी, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी? तो ऑफिशियल लैंग्वेज थी पर्सियन, फारसी भाषा। तो 199 का हो जाएगा डी। 200वां प्रश्न देखते हैं, किस वर्ष वैशाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो ये रखा गया था 1699 ईस्वी में। अगर डेट देखा जाए तो वो था 13 अप्रैल 1699। लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं 201वां, मुगलों ने नवरोज या नवरोज का त्यौहार किन से लिया था? तो ये लिया गया था पारसी लोगों से। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो यही हो गया 201 प्रश्न। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और इस वीडियो को जो कि काफ़ी लंबा हो चुका है क्योंकि 201 प्रश्न था लेकिन ये टॉपिक भी बहुत लंबा है, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लें, फिर आपका इस टॉपिक पर बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू सो मच। आगे जो हिस्ट्री के और पोर्शंस हैं वो मैं लेकर आता रहूँगा MCQs के रूप में, और पूरा हिस्ट्री ख़त्म करना है। तो थैंक यू सो मच।